मैम, एक सवाल हमारे पास सोशल मीडिया से आया है। मेरी एक 1 साल की बेटी है और मैं अपने मम्मी पापा के घर रहती हूँ, और मेरी बेटी की टेक केयर मेरी मदर, मेरा ब्रदर और मेरी भाभी करती हैं। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मेरी और मेरी बेटी के बीच इस वजह से डिस्टेंस ना बन जाए। ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करूँ? ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और आजकल की सोसाइटी में ये चीज़ हो रही है कि जो एक पेरेंट है वो अपने बच्चे की देख रेख कर रहे हैं और बाकी की फैमिली जो है वो टेक केयर कर रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि एक बच्चे के लिए जो माँ का रिश्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उस बात से हम जो है क्या कहते हैं कि हम पीछे नहीं हट सकते हैं। माँ को समय देना ही है, चाहे हम बच्चों को कितनी भी अच्छी एक्स्ट्रा क्लासेस में भेजें, किसी की भी अच्छी देख रेख में रखें, लेकिन आपका एक जो टच है, आपके जो बच्चे के लिए वर्ड्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जो हमने पहले चर्चा की उसी में से मैं आंसर को जो है वो थोड़ा सा आपके लिए बताना चाहूँगी कि छोटे छोटे टाइम्स को फ्रेंड्स महत्व दीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी 1 साल की बेटी है या 2 साल का आपका बच्चा है, तो आप उसको रेडी करते हुए उससे बातचीत कर सकते हैं कि बेटा, आपकी ये ड्रेस बहुत सुंदर है, आप कितने प्यारे हो, आप मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो, आप अपने लिए बेस्ट कर सकते हो। और मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि अगर आपका बच्चा एक इन्फेंट है तो आप उसकी सोल के साथ कम्युनिकेट करिए कि आप कितनी प्रीशियस सोल हो, आपने मुझे माँ के रूप में चूज किया, मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और आप देखिएगा कि बच्चा आपके इस इमोशन को कितने अच्छे से कैच करता है, और फिर आपके मन में फ्रेंड्स ये भावना नहीं आएगी कि आप बच्चे से दूर हैं या आपका बच्चे से दूरी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपका सोल टू सोल कनेक्शन है। फ्रेंड्स देखिए, एक समय ज़रूर लाइफ में ऐसा आता है जब बच्चे हमसे दूर जाते हैं, उनकी पढ़ाई का समय जब आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता नहीं है। आज अगर आपके बच्चे को कोई टेक केयर कर रहा है तो माँ आप ही हैं, लेकिन आत्मा से आत्मा का संबंध वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बल्कि मैं ये कहूँगी कि हर एक माँ को हर अपने बच्चे के साथ, बल्कि हर एक आत्मा के साथ, आत्मा के संबंध को ही जो है अपनी विशेषता या उसे ही महत्व देना चाहिए, ताकि जब बच्चे बड़े हों, कहीं दूर भी जा रहे हों, तब भी उनका सोल टू सोल कनेक्शन हमेशा बना रहे। तो इसलिए मैम, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप अधिक से अधिक सोल कनेक्शन, सोल कम्युनिकेशन उस बच्चे तक पहुंचाएं, स्माइल दें, खुशी दें। और देखिए, बच्चे हमेशा आपके एक्सप्रेशन को नोट करते हैं। अगर आपके चेहरे पर उदासी होगी कि मैं अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रही, तो बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर वही जो समय 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जितना भी समय आपको मिल रहा है, वो आप स्माइल के साथ, खुशी के साथ अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। और इन्फेंट्स के साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, उनको गले लगाइए, उनको प्यार दीजिए, उनको अपना टच दीजिए। बल्कि मैं ये कहूंगी इस टच की जरूरत हर एक बच्चे को है, चाहे बच्चा वो टीनेजर है, एडोलोसेंस में है। अपने बच्चे का हाथ पकड़े और उनसे बस यही बोले कि मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, हम आत्माएं एक दूसरे के साथ हमेशा हैं। तो देखिए, फिर आपके मन में कभी भी ये डिस्टेंस वर्ड नहीं आएगा।